2015 થી આવાસ આજે 8 વર્ષ વીતી ગયા છતાં પણ મનપા દ્વારા આંગણવાડી સ્થાપિત નહીં કરાતા સુરતના વેસુ વીઆઈપી રોડ ઈડબ્લ્યુએસ આવાસના રહેવાસીઓ આજે સુરત મનપા કમિશનરને સામૂહિક અરજી આપી હતી। 2015 થી આવાસ આજે 8 વર્ષ વીતી ગયા છતાં મનપા દ્વારા આંગણવાડી સ્થાપિત નહીં કરાતા મનપા કમિશનર સાહેબને સામૂહિક અરજી આવાસ સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા અપાઈ। શહેર સુરત શહેરના પોસ્ટ વિસ્તાર ગણાતો એસએમસી ક્વાર્ટર્સ ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ સિદ્ધિવિનાયક મંદિર પાછળ વેસુ સુરતમાં બન્યા છે। બિલ્ડિંગ નંબર 1-24 છે, જેમાં દરેક 4 માળ પણ છે અને 24 ફ્લેટ્સ છે। હવે અંદાજિત જનસંખ્યા રહેતા હોવાનું માલુમ પડે છે। ત્યારે ઈડબ્લ્યુએસ એટલે કે ઓછી આવક જૂથના દરેક વર્ગ બીપીએલની વ્યાખ્યામાં આવતા હોય ત્યારે પ્રાઇવેટ શાળામાં બાળકોને હાર્ડ ફી ભરી સર્વાંગી વિકાસમાં કાર્ય સિદ્ધ નથી કરી શકતા, જેને કારણે હવે વેસુ વિસ્તારના 500 થી 1000 મીટર સુધીમાં કોઈ પણ આંગણવાડી હોય જે હેલ્થ સેન્ટર આવી નહીં હોય તે માટે ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ સિદ્ધિવિનાયક મંદિર પાછળના વીઆઈપી રોડ હાઈ ડીજીબી બિલ્ડિંગ પાછળ વેસુ એસએમસી ક્વાર્ટર સુરતના રહેવાસીઓ અરજીને ધ્યાને લઈ સત્વરે આંગણવાડી સેન્ટર નક્કી કરી જગ્યા ફાળવણી થવા સામૂહિક અરજી સામૂહિક સહી કરી મનપા કમિશનર સાહેબને આપી હતી। સર, મેરા નામ હૈ શિવાભાઈ ગવઈ, મેં યહાં પે 2015 સે એસએમસી મેં આવાસ મેં રહેતા હું। आवास में क्या है, हमारे कम से कम साफ सफाई भी नहीं होता और 2015 से हर सोसाइटी में आंगनवाड़ी दी हुई है, तो हमारे सोसाइटी में आंगनवाड़ी नहीं है। तो हम लोग ये अर्जी देने के लिए जा रहे हैं संदीप भाई देसाई को देने के लिए, सीआर पाटिल साहब को लिए कलेक्टर ऑफिस में, और हर संघवी साहब को देने के लिए, अर्जी देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि इतने सालों से बाद भी हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी क्यों नहीं है। यहाँ पे 576 घर रहते हैं, फिर भी हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे। तो हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत वंचित है, और हमारे आजू बाजू के एरिया में 1000 मीटर के अंदर या 1000 मीटर के अंदर ही, 1 किलोमीटर के अंदर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर भी आंगनवाड़ी नहीं है। तो हम ये रजौत करने के लिए जा रहे हैं, अगर हमारी अर्जी हर संघवी साहब को मिले तो अच्छा है, और हमारे लिए यहाँ पे आंगनवाड़ी बांधने का काम कीजिए। जो आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आपका आगे का प्रदर्शन किस तरह से रहेगा? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ पे उपोषण के लिए रखेंगे। मेरा नाम मनोज ससाने है, मैं 2016 से यहाँ पे रहता हूँ। अभी इसमें ऐसा है कि यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीनियर केजी जूनियर केजी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एसएमसी का मतलब है सब गरीब ही लोग रहते, कोई पैसे वाला नहीं रहता है। हमारी अर्जी है कि यहाँ पे आंगनवाड़ी बनाई जाए। अभी इससे पहले भी इन लोगों ने अर्जी दिया था, 2015 या 2017 में एक अर्जी और दिया था इसके पहले भी, अभी आके देख के गए और उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हमारी यही मांग है कि अभी यहाँ पे आंगनवाड़ी आवे जल्द से जल्द और बच्चे शिक्षित होवे। कितने छोटे छोटे बच्चे आपके मोहल्ले में आने? हमारे मोहल्ले में आंगनवाड़ी में कम से कम यहाँ पे 75 फ्लैट है। मैक्सिमम एक घर में एक बच्चा तो होगा ही। इसके हिसाब से अगर यहाँ पे रोज के 30 बच्चे भी पढ़े, 30, अभी कुछ लोग कैपेबल है जो सीनियर केनियर जूनियर के जी पढ़ा सकते हैं, बाकी लोग थोड़ी सीनियर के जी जूनियर के जी पढ़ा सकते हैं। आंगनवाड़ी के लिए आपने जगह कहीं देखी है? आंगनवाड़ी के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है, आप पीछे देख सकते हो, बहुत सारी जगह है और है जगह। इस हिसाब से हमारी मांगनी है कि यहाँ पे आंगनवाड़ी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस।